गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ विनय चौहान, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर फ्रॉम योर ग्रामर बुक। द चैप्टर नेम इज़ प्रोनाउंस। व्हाट? प्रोनाउंस। ओके, सो शैल वी रीड? ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड। आपको ये जो सेंटेंस मैं बोलने वाला हूँ उसको आपको लाउडली बोलना है, ठीक है? याद रहे आपको लाउडली बोलना है, जोर से बोलना है। ओके, सो स्टार्ट। लूसी इज वेयरिंग ए रेड टी शर्ट। लूसी इज वेयरिंग ए रेड टी शर्ट। लूसी इज प्लेइंग विथ हर बॉल। ओके, लूसी इज वेयरिंग ए रेड टी शर्ट। लूसी इज प्लेइंग विथ हर बॉल। देयर इज अ गर्ल हुज नेम वॉज, है ना, हुज नेम इज लूसी। यहाँ पर एक लड़की है, देखिए उसका नाम क्या है, लूसी है, ठीक है। उसने क्या पहन, कौन से कलर के टी शर्ट पहनी है उसने? रेड कलर की टी शर्ट पहनी है। उसका नाम क्या है? लूसी। ओके, उसका नाम क्या है? लूसी, एंड उसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी है, ठीक है। लूसी इज प्लेइंग विथ हर बॉल। लूसी, है ना, लूसी इज प्लेइंग विथ हर बॉल। देखो, यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने जो है बॉल पकड़ी है उसने, ठीक है। So, she is playing with her ball. Lucy's dog is also playing with Lucy. Lucy's dog is also playing with Lucy. There's a dog who is also playing with Lucy. ठीक है, यहाँ पर देखो डॉग भी है जो उसके साथ खेल रहा है, ठीक है। ओके ओके, लूसी इज यूज मैनी टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखिए, लेट्स चेक आउट दिस पैराग्राफ। लूसी इज यूज मैनी टाइम्स इन द अबव सेंटेंस। इस सेंटेंस में बेटा, इस सेंटेंस में लूसी जो है बहुत बार यूज़ किया है। कितने बार यूज़ किया गया? बहुत बार, मैनी टाइम्स, 1, 2, 3, है ना। इस सेंटेंस में 3 टाइम्स जो है लूसी का नाम यूज़ किया है। हु इज़ लूसी? लूसी इज अ गर्ल। ओके, लूसी इज अ गर्ल हु वॉर, हु इज़ वेयरिंग ए रेड टी शर्ट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 3 बार जो है लूसी का नाम यूज़ किया गया है। ओके, सो लूसी इज यूज मैनी टाइम्स इन द अबव सेंटेंसेस। दिस मेक्स द सेंटेंस साउंड ऑड। तो लूसी जो है बार बार इस सेंटेंस में, है ना, इस पैराग्राफ में बार बार लूसी का नाम जो है यूज़ किया गया है, है ना। तो ये जो है बहुत बेकार साउंड लग रहा है, मतलब बोलने में बहुत बेकार लग रहा है, ठीक है, बोलने में बहुत बेकार लग रहा है। जैसे जैसे राम खाता है, राम सोता है, राम पीता है, राम नहाता है, अगर बार बार इसी चीज़ को बोलें तो बहुत अजीब सा लगता है, मतलब ये साउंड अच्छे नहीं है, ठीक है। मतलब ये सही बोलने का तरीका, या मीन्स कहना चाहिए सही रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। बार बार उसके नाम को जो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू मेक देम साउंड बेटर, है ना। तो चलिए फिर इसके अलावा हम उसके नाम को बार बार यूज़ ना करके कुछ और यूज़ करते हैं जिससे अच्छा लगे, मतलब सही रिप्रेजेंट हो, है ना। सो इस सेंटेंस को हम मॉडिफाई करते हैं, इसी सेंटेंस को हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ओके, लूसी, देखिए शुरू में इसका नाम है, हु इज लूसी? लूसी इज अ गर्ल, है ना, देयर इज अ गर्ल हुज नेम इज लूसी। लूसी इज वेयरिंग ए रेड टी शर्ट। लूसी इज वेयरिंग ए रेड टी शर्ट। ओके, शी इज प्लेइंग। अब देखो बेटा यहाँ पर जो लूसी है सेकेंड सेंटेंस में लूसी जो है हमने उसकी जगह क्या यूज किया? शी। देखो रेड कलर में जो है लिखा हुआ शी, है ना, शी यूज़ किया हमने। एक बार हमने लूसी का नाम लिखा शुरू में, यहाँ पर लिखा है ना, उसके बाद हमने सेकेंड सेंटेंस में क्या यूज़ किया? शी। वाई वी यूज शी? हमने यूज शी का यूज़ क्यों किया? हाँ, हमने शी का यूज़ क्यों किया? शी इज प्लेइंग विथ हर बॉल। वो अपने बॉल के साथ खेल रही है, देखो खेल रही है ना, ठीक है। तो लूसी इज प्लेइंग विथ हर बॉल, यानी
मीन्स शी इज प्लेइंग विथ हर बॉल। यहाँ पर हमने लूसी की जगह शी यूज की, इंस्टीड ऑफ लूसी, ठीक है, शी यूज किया हर बॉल। ओके, हर डॉग इज ऑल्सो प्लेइंग विथ हर, हर डॉग इज ऑल्सो प्लेइंग विथ हर, हर डॉग। अब यहाँ पर देखो लूसीज डॉग बोल रहे हैं ना, लूसीज, फिर दोबारा नाम रिपीट नहीं किया हमने, दोबारा नाम हमने रिपीट नहीं किया, हमने क्या लिखा, हर, हर डॉग इज ऑल्सो प्लेइंग विथ हर, मीन्स लूसी कुत्ता भी उसके साथ, लूसी के साथ खेल रहा है ना। तो हमने नाम जो है रिपीट नहीं किए, हमने दो वर्ड यूज किए, एक शी और एक हर। ओके, तो बेटा यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें लड़कियों के लिए है ना क्या यूज़ करना चाहिए, शी, क्या यूज़ करना चाहिए, शी। और जब लड़कियों से रिलेटिव कोई एक्शन हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हर। फॉर एग्ज़ाम्पल अनन्या इज़ ईटिंग फूड, अनन्या इज़ ईटिंग फूड मील, ओके, अनन्या खाना खा रही है, ठीक है, अनन्या इज़ ईटिंग फूड, अनन्या खाना खा रही है। हर ब्रदर, हर ब्रदर इज़ आल्सो ईटिंग मील, इट मीन्स उसका भाई भी। अब देखो हर का मीनिंग क्या है, उसका, उसकी, ठीक है, ठीक है, उसका भाई, किसका, अनन्या का, ठीक है, अनन्या का भाई। इससे तो बेटा यहाँ पर कंक्लूज़न ये आ रहा है कि जब बात उसके, उससे रिलेटेड कुछ हम कहें, उसका या ऐसे सेंस में कुछ आए, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हर, ठीक है। अनन्या इज़ ईटिंग मिल, हर ब्रदर, हर, अब यहाँ पर हर का मतलब क्या है, उसका, हर ब्रदर मीन्स उसका भाई, सो हर ब्रदर इज़ आल्सो ईटिंग मिल, यानी उसका भाई भी जो है खाना खा रहा है। ओके, ओके, हाँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, नाउ रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। अब इस पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस को रीड करते हैं, क्या लिखा है। फर्स्ट स्टैंजा क्या है, विकी इज़ माय फ्रेंड, विकी इज़ माय फ्रेंड, विकी इज़ माय फ्रेंड, विकी इज़ माय फ्रेंड, देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ बॉय हुज़ नेम इज़ विकी, विकी इज़ माय फ्रेंड, ही लाइक्स बनानास, ही लाइक्स बनानास, विकी इज़ माय फ्रेंड, ही लाइक्स बनानास, इट मीन्स विकी मेरा मित्र है, मेरा फ्रेंड है, उसे बनाना अच्छा लगता है, यानी केला अच्छा लगता है। यहाँ पर देखो केला खा रहा है ना, इज इटिंग बनानास, ठीक है। तो विकी इज माई फ्रेंड, ही लाइक्स बनाना, ही हमने किसके लिए यूज किया, विकी के लिए, वाई। तो बेटा जब गर्ल के लिए हम लोग शी यूज करते हैं है ना, तो बॉय, विकी जो है बॉय का नाम है, तो बॉय के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। व्हाट इज द डिफरेंट, She is used for girl and he is used for boy. यानी हम लड़कों के लिए he use करेंगे और लड़कियों के लिए she use करेंगे, ठीक है, जब हमें नाम repeat नहीं करना हो। यहाँ पर तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, Vicky is my friend, Vicky likes bananas. तो बेटा यहाँ पर odd नहीं लगेगा, जैसे कि यहाँ पर इस paragraph में ये बताया गया है कि ये odd लगता है, बार बार हम नाम repeat करते हैं तो odd लगता है, अजीब लगता है ना। तो इसीलिए हम नाम ना रिपीट ना करके हम उसके ऐसे वर्ड को यूज़ करते हैं जो इससे रिलेटेड हो। तो यहाँ पर एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, और ही का मतलब होता है वह या उसे, ठीक है, ठीक है, या उसको, ठीक है। विकी इज़ माई फ्रेंड, ही लाइक्स बनानास, इट मीन्स देयर इज़ अ बॉय हुज नेम इज़ विकी एंड ही लाइक्स बनानास, मतलब वह उसे बनाना पसंद है, यानी केला पसंद है, ठीक है। इन द सेकेंड सेंटेंस, इन द सेकेंड सेंटेंस ही स्टैंड्स फॉर विकी, ही स्टैंड्स फॉर विकी, इन द सेकेंड सेंटेंस ही स्टैंड्स फॉर विकी, इट मीन्स जो सेकेंड सेंटेंस में ये है, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, ही, ये किसके लिए है, विकी के लिए है, किसके लिए है, विकी के लिए। ओके, देयर इज अ बॉय हुज नेम इज विकी, दैट्स वाई वी यूज ही। ओके,
द सेकेंड सेंटेंस ही स्टैंड फॉर विकी, यानी हम लड़कों के लिए जो है ही यूज़ करेंगे और गर्ल्स के लिए शी यूज़ करेंगे, ठीक है। मीना इज गर्ल, देखो सेकेंड सेंटेंस में मीना इज ए गर्ल, मीना इज ए गर्ल, शी इज 10 ईयर्स ओल्ड, है ना। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि मीना इज ए गर्ल, हु इज ए गर्ल, मीना इज ए गर्ल, शी इज ए 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 10 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर देखो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है मीना, यहाँ पर आप देख सकते हैं केक, है ना। तो मीना इज ए गर्ल, शी इज 10 ईयर्स ओल्ड, यानी वो 10 साल की है, वह 10 साल की है। इट मीन्स कौन? मीना। तो मीना को हमने नेम ना रिपीट करके हमने क्या यूज किया? व्हाट वी यूज? शी, हमने शी यूज किया। क्यों? क्योंकि हमें नाम रिपीट नहीं करना है, ओके हमें नाम रिपीट नहीं करना है, हमने शी, इसलिए शी यूज किया। और शी क्यों, ही क्यों नहीं करते हम? बिकॉज बेटा यहाँ पर मीना इज अ गर्ल, दैट्स वाई हम यहाँ पर शी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर विकी जो है लड़का है, बॉय है, इसीलिए हम यहाँ पर ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो मीना इज अ गर्ल, शी इज 10 ईयर्स ओल्ड, वह 10 साल की है, ओके। तो फॉर बॉयज वी यूज ही एंड फॉर गर्ल्स वी यूज शी, ओके ओके। नाउ थर्ड, किटी इज अ कैट, किटी, यू कैन सी देयर इज अ कैट हुज नेम इज किटी, ठीक है। किटी इज अ कैट, इट इज स्लीपिंग इन द बास्केट। अब बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि फर्स्ट ये एनिमल्स हैं, ठीक है, ये एनिमल्स हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इट यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट इज स्लीपिंग इन द बास्केट, ओके। तो एनिमल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे, ठीक है, ओके। वह ही यूज नहीं करेंगे ना शी यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे, ठीक है, ओके। इन द अबव सेंटेंसेस इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम नेमिंग वर्ड्स, है ना, हम नेमिंग वर्ड्स, हम ऊपर दिए गए सेंटेंस में जितने भी देखते हैं कि हम उसमें नाम को जो है रिपीट नहीं किए हैं। इसमें देखो रिपीट किए हैं क्या? विकी को जो है दोबारा लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं, ओके। मीना हमने दोबारा रिपीट किया क्या सेकेंड सेंटेंस? नहीं किए हैं, उसके जगह हमने दूसरा वर्ड यूज़ किया है। यहाँ पर किटी, देयर इज अ कैट, है ना, हिज नेम इज किटी, उस कैट का नाम क्या है? किटी है। बट उस किटी को जो है हमने दोबारा नाम यूज़ किया? नहीं। तो क्या कहता है ये? हमने जो जो उसके जगह हमने वर्ड जो यूज़ किए हैं इस नेमिंग वर्ड्स के जगह, इस नेमिंग वर्ड्स के जगह हमने जो वर्ड यूज़ किए हैं, ये इट, शी, ही, वो है क्या बेटा? दिस इज कॉल्ड प्रोनाउंस। क्या कहेंगे? प्रोनाउंस कहेंगे, इसी को प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोनाउंस। जब वी यूज प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, इन द अबव सेंटेंस इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम नेमिंग वर्ड्स वी रिप्लेस देम बाय ही, शी एंड इट, दिस वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। यानी हम उस नेमिंग वर्ड्स को दोबारा रिपीट नहीं करने के बजाय उसके जगह हम कुछ और यूज़ करते हैं, इट मीन्स ही, शी, इट, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके प्रोनाउंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? व्हाट वी विल से, क्या कहेंगे हम? प्रोनाउंस, ओके। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स वी यूज, यहाँ पर डेफिनेशन क्या है प्रोनाउंस की? डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स वी यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स, व्हाट इज नेमिंग वर्ड्स? नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन, इट मीन्स नाउन की जगह पर हम यूज करने वाले शब्दों को, यानी यूज जो करते हैं शब्द को, उसको, ये नाउन है, किटी नाउन है, मीना नाउन है, विकी नाउन है, नेमिंग वर्ड्स है ना, स्पेशल नेम है, उसकी जगह हमने ये यूज किया, ये वर्ड यूज किया, ये वर्ड यूज किया, तो इट मीन्स ये क्या है? आपके प्रोनाउंस। सो बेटा आज की क्लास यहीं ओवर होती है और मैं अभी आपको होमवर्क सेंड करता हूँ, आपको उसको कंप्लीट करना है, ओके। सो बाय, टेक केयर।